नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खंबे टूटे, पेड़ उखड़े, सड़कें बनी तालाब, 940 गांवों की बिजली गुल, बिपड़ जाएगा गुजरात में दिखा रौद्र रूप। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सत्तारूढ़ पार्टी YSRCP सांसद की पत्नी और बेटे का हुआ अपहरण, पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया रेस्क्यू। राजस्थान के उदयपुर में बुआ के दो बेटों ने 11 साल की नाबालिग से किया गैंगरेप, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में हुआ खुलासा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में LOC पर मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी, हथियार बरामद। मणिपुर में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री R.K. रंजन सिंह के गोंगबा स्थित आवास में उपद्रवियों ने लगाई आग, पेट्रोल बम भी फेंके। असम में बाढ़ से हालात गंभीर, 6 जिलों के 29,000 लोग बुरी तरह प्रभावित। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन बाजार में हरियाली, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा, निफ्टी 18,700 के पार। राजस्थान में 5 लाख कार्यकर्ता जुटाएगी BJP, चुनाव से पहले गहलोत सरकार को घेरने के लिए बनाई खास रणनीति। अहमदाबाद में बाल बाल बचा इंडिगो का विमान, लैंडिंग के दौरान रनवे से टकराई टेल, 5 दिनों में दूसरा हादसा। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में देवर के प्यार में पागल पत्नी का खौफनाक कदम, पति का कत्ल कर दफना दिया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पाइनियर हरियाणा के साथ। धन्यवाद।